तो आज चुनावी रण में बात होगी महाराष्ट्र और हरियाणा की अर्थव्यवस्था को लेकर। कृषि उद्योग जगत तकनीक समेत कई क्षेत्रों में इन दोनों ही राज्यों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। आपको दिखाएंगे हम अपनी रिपोर्ट की, उससे पहले देखिए चुनाव की सुर्खियां। महाराष्ट्र में उम्मीदवारों को नामांकन का दौर जारी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने आज पुणे की कोथरूड विधानसभा सीट से पर्चा भरा। इससे पहले पाटिल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर मोटरबाइक रैली के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। ठाणे शहर से बीजेपी के मौजूदा विधायक संजय केलकर ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने आज महाराष्ट्र की वर्ली विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले आदित्य ठाकरे ने रोड शो भी किया, जिसमें हजारों की तादाद में शिव सैनिक शामिल हुए। वहीं ठाणे में एनसीपी के मौजूदा विधायक जितेंद्र आहवाड़ ने कलवा मुमरा क्षेत्र में पर्चा दायर किया। एनसीपी प्रमुख इस मौके पर मौजूद रहे। जितेंद्र आवहार तीसरी बार इस क्षेत्र से विधायक चुने जाने के लिए चुनाव मैदान में हैं। विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने आज पाली सीट से नामांकन भरा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे और पूर्व कांग्रेस विधायक नितेश राणे आज बीजेपी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नितेश राणे का पार्टी में स्वागत किया। नितेश ने हाल ही में कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा दिया था। दूसरी तरफ पालघर से शिवसेना विधायक अमित घोड़ा आज एनसीपी में शामिल हो गए। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने टिकट बंटवारे और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए। संजय निरुपम ने इस मामले में ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने ये लिखा कि अगर पार्टी का रुख ऐसा ही रहा तो वो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार अभियान में शामिल नहीं होंगे। वहीं हरियाणा में भी कांग्रेस की अंदरूनी कलह जारी है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई लोग ऐसे हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और नए लोगों को आगे आने का मौका नहीं दे रहे हैं। अशोक तंवर ने अपनी नाराजगी को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी है। इस बीच कांग्रेस ने हरियाणा की बाकी 6 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। दूसरी लिस्ट में पूर्व मंत्री प्रहलाद सिंह को टिकट दिया गया है। प्रहलाद सिंह फतेहाबाद सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने कल देर रात 84 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। हरियाणा में शिरोमणि अकाली दल इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगा। शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार कालावाली रतिया और गुलाची का सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। दोनों दलों में कुछ अन्य सीटों पर भी मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा जारी है। तो सुर्खियों के बाद बात करते हैं महाराष्ट्र के रण की। तो देश की अर्थव्यवस्था में महाराष्ट्र की भूमिका हमेशा से अहम रही है, लेकिन राज्य में रोजगार और कृषि क्षेत्र की समस्याएं भी चुनौती बनी हुई हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर अक्सर इनसे निपटने की कोशिश की है। बहुत कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन सुधार की कोशिशें अभी भी जारी हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के समुद्री तटों पर जहाजों का सदियों से आना जाना होता रहा है। औद्योगिक राज्य महाराष्ट्र की आर्थिक प्रगति ने देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान की। राज्य ने 90 के दशक के आर्थिक उदारीकरण का फायदा उठाया और अपनी जीडीपी को मजबूत बनाया। आज जीडीपी के हिसाब से महाराष्ट्र देश का सबसे अग्रणी राज्य है।
जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भी भारत सरकार को एक बड़ी छलांग लगाई, मैं कह सकता हूं कि उसमें जो इम्प्रूवमेंट होते होते अभी टॉप 100 में 76 नंबर जो आ गया गवर्नमेंट का, तो उसमें महाराष्ट्र का बहुत बड़ा सहयोग हुआ है। महाराष्ट्र की 2018-19 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में राज्य की विकास दर 7.5% रहने का अनुमान जताया गया है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय में भी बीते वर्षों में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए मेट्रो समेत कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। 7 मेट्रो के प्रोजेक्ट्स है और एडिशनली आप देखोगे तो मेट्रो के अलावा भी मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन होने वाली है। मुंबई गोवा का एक बड़ा काम चल रहा है। साइड बाय साइड मुंबई बैंगलोर जो रास्ता है वो 4 लेन का हो गया। तो इस तरह से जो कनेक्ट होना चाहिए उसका काम बड़े पैमाने पे चल रहा है। हालांकि सूखे की मार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, जिससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर कई कदम उठाए हैं। साथ ही रोजगार के लिए भी बहुत कुछ किया जाना भी बाकी है। महाराष्ट्र को देश के आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन कहा जाता है। सरकार का दावा है कि इस इंजन की पिछले 5 सालों में रफ्तार तेज हुई है। कई सर्वे में भी ये रिपोर्ट आई है कि महाराष्ट्र में विकास दर में इजाफा हुआ है। देखना होगा इस चुनाव में सरकार के इन कदमों का कितना फायदा मिलता है। कैमरामैन अमरिंदर और सहयोगी हरिप्रसाद के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, मुंबई। और अब बात हरियाणा की। क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से हरियाणा भले ही छोटा राज्य हो, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में इसका अहम योगदान है। बात चाहे खेतीबाड़ी की हो या उद्योग धंधों की है, हरियाणा ने सभी अहम क्षेत्रों में खुद की अलग पहचान बनाई है और इस दिशा में ये लगातार आगे कदम बढ़ा रहा है। राजधानी दिल्ली से सटा हरियाणा, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला हरियाणा अपने यहाँ उद्योगों के विकास की लगातार कोशिश करता आया है और इस मामले में हरियाणा ने कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे दिल्ली से सटे इलाके इसकी मिसाल हैं। दो चीजों में 1966 से अब तक बहुत बढ़िया प्रोग्रेस हुई। एक तो एजुकेशन जो सबसे ज्यादा हुई है और दूसरी इंडस्ट्रीज में हुई। हालांकि इंडस्ट्रीज में पिछले 2-3 साल से कुछ गिरावट दिख रही है, क्योंकि लोग तो कहते हैं भाई इंटरनेशनल एस्पेक्ट हैं सारे, लेकिन दो चीजों में बहुत हुई। मारुति सुजुकी, हीरो होंडा और एमएमटी सरीखे प्लांट हरियाणा को कृषि से एक अलग पहचान देते हैं। इसके अलावा तकनीकी क्षेत्र के विकास से जुड़े संस्थानों के मामले में भी गुरुग्राम ने अपनी अलग पहचान बनाई है। हरियाणा की हमेशा कोशिश रही है कि औद्योगिक विकास के मामले में बाकी राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। भौगोलिक दृष्टि से भी अगर आप देखें तो चूंकि दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा पड़ता है और NCR रीजन में भी हरियाणा के आधे जिले तो वैसे ही आ जाते हैं, तो हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उस लिहाज से अगर देखें तो जो यात्रा रही है हरियाणा की अब तक की इसके गठन के बाद से, वो शानदार रही है। बीते कुछ सालों में हरियाणा में विदेशी निवेश और सेस के जरिए भी उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ट्राई सिटी पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ में बढ़ते शहरीकरण के मद्देनजर लोगों की उम्मीदों के हिसाब से नई संस्थागत व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकारों के प्रयासों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के मामले में हरियाणा उत्तर भारत में पहले और देश में 3रे स्थान पर है। अपने जन्म के समय हरियाणा को इसके किसान और जवान की वजह से जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे खेती के साथ साथ इस प्रदेश ने उद्योगों का भी खूब विकास किया। दिल्ली से सटे होने का फायदा उठाकर हरियाणा में IT से लेकर दूसरे उद्योग काफी पनपे हैं, जिससे न केवल इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय में बहुत इजाफा हुआ है, बल्कि साथ ही साथ प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों को भी यहां पर रोजगार मिल रहा है। अंबाला से कैमरामैन सुरेश और मेरे सहयोगी संदीप सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी।
फिलहाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को देते हैं विराम। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लौटते हैं मेरी सहयोगी अभिलाषा पाठक के पास।